सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी का। आज हम देखेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ब्रांच है बायोलॉजी की, इसका क्या स्कोप है और इसकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। स्कोप क्या होता है कि कौन सी जो ब्रांच है या कौन सी फील्ड है वो कितनी वास्ट है और उसके अंदर कितनी लिमिटेशंस हैं, कि जिस फील्ड की जितनी लिमिटेशंस होंगी, यानी कि लिमिटेशन अगर ज़्यादा होंगी तो मीन उसका स्कोप कम है, और अगर लिमिटेशन जो है वो कम होंगी तो उस फील्ड का स्कोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी जो लिमिटेशंस हैं ये बहुत ही कम हैं और इसका स्कोप जो है वो इसीलिए जो है वो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं एग्रीकल्चर के, इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में जो है माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब हम देख लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसका मेडिकल फील्ड में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका क्या रोल है। अच्छा, मेडिकल फील्ड क्या होती है? मेडिकल फील्ड जो है ये एक स्पेशल टाइप की फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ का पता चलाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उनका इलाज करते हैं और उन डिजीज़ को की जो है वो रोकथाम करते हैं, ठीक है, उनके लिए हम जो है वो मेजर्स लेते हैं कि इस डिज़ीज़ को कैसे कम किया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड में क्या रोल प्ले किया है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, सिंथेसाइज किया इंसुलिन को। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो हमारे लिवर जो है वो क्या करता है, हमारे लिवर बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन का मेन काम क्या होता है कि जो ग्लूकोज है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब करवाता है ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो काम कर सके। तो इंसुलिन जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सिंथेसाइज करवाया। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन लगाते हैं ताकि उनके अंदर अगर इंसुलिन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको डायबिटीज़ होती है, तो फिर वो अगर इंसुलिन प्रॉपरली लें तो उनका फिर ट्रीटमेंट इस तरह से चलता है। तो ये इंसुलिन जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बना, क्योंकि इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया, बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसुलिन वाला जीन डाला और फिर बैक्टीरिया ने प्रोडक्शन की और फिर हमने इसको इंसुलिन को बनाया और फिर मार्केट में हमने इसको सेल करना शुरू किया। और इसके अलावा इंटरफेरॉन्स बनते हैं, ठीक है, इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरल, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। तो एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करती हैं, वायरसेस के खिलाफ, ठीक है, एंटीवायरल का मतलब है वायरसेस के खिलाफ। तो क्या होता है इंटरफेरॉन, इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरैक्ट करती हैं विद वायरसेस। तो इंटरफेरॉन जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मेडिकल फील्ड्स में बनी, इसमें भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया और इंटरफेरॉन्स को हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया। तो इंटरफेरॉन क्या करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि कोई वायरस आ गया है हमारी बॉडी के अंदर या कोई कैंसरस सेल आ गया है। तो ये भी किसकी वजह से, इंटरफेरॉन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवाना पॉसिबल हुआ, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। तो किसके अंदर हम बनाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की है या डिफरेंट और वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स क्या होती हैं कि इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट करती हैं। तो इसको भी हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवाया थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा हमने क्या किया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनता है, तो उसको हम आर्टिफिशियली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम बना सकते हैं इन मेडिकल फील्ड में यूज़ के लिए फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। इसमें एक पेप्टाइड हार्मोन आता है
जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है पेप्टाइड, बहुत सारे हार्मोन हैं पेप्टाइड हार्मोन जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फिर ये किस चीज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बोन्स की, और ये एपिटाइट और इस तरह की जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस के अंदर उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उसका कद नहीं बढ़ रहा, तो उसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि कम है, तो हम क्या करते हैं, हमने जो हार्मोन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं, फिर उसका एक कल्चर बन जाता है जब, फिर हम उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं और फिर जो है इस तरह से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिंस भी जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बनाते हैं मेडिसिंस, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है कि हम रिप्लेस करते हैं डिफेक्टिव जीन को विद नॉर्मल जीन, यानी कि जो हमारा वो जीन जो कि डिफेक्टिव होता है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं होता, अफेक्ट हुआ हुआ होता है, उसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं, विद नॉर्मल जीन हम उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अगर किसी की विरासती कोई बीमारी है किसी जीन की वजह से, या समटाइम किसी का कोई जीन डिफेक्टिव है, तो हम उसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं विद नॉर्मल जीन। और इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है इन फोरेंसिक में। फोरेंसिक में हम क्या करते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, एक जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए के साथ सारा काम करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सीआईडी या इस तरह की कोई मूवीज देखते हैं, तो उसमें अगर उन लोगों को क्राइम सीन पर कोई बाल मिल जाता है, या कोई उनको स्किन का कोई पीस मिल जाता है, या समटाइम नेल्स मिल जाते हैं, हेयर्स मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका डीएनए चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। तो जब उसका डीएनए टेस्ट आ जाता है, तो फिर जितने भी उनके रिलेटेड बंदे होते हैं ना, मतलब जिसका अगर फॉर एग्जांपल कोई कत्ल हुआ है, तो उससे रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सस्पेक्टेड, तो उनके साथ उनका डीएनए मैच कर लिया जाता है, और फिर जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये थ्रू द डीएनए होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन मेडिकल फील्ड। अब हम इसका रोल देख लेते हैं इन फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि फूड के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से इसमें बायोटेक्नोलॉजी को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम डिफरेंट टाइप्स की फूड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फर्मेंटेड फूड में कौन कौन सा आ जाता है, हमारे पास पिकल आता है, पिकल क्या होता है, अचार एंड योगर्ट और दही, योगर्ट और अचार, इसमें हम क्या करते हैं, पिकल में हम क्या करते हैं साल्ट और एसिड्स को यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और योगर्ट में भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्मेंटेड फूड में भी क्या आ गया हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी का रोल आ गया। इसके अलावा फिर आगे से आती हैं माल्टेड फूड की क्या एग्जांपल होगी, माल्टेड फूड किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास मिल्क पाउडर है, ठीक है, मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर क्या होता है, एक्चुअली मिल्क पाउडर है मिक्सचर ऑफ बार्ले, यानी कि जौ का आटा जो होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ बार्ले वीट फ्लोर एंड होल मिल्क, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये भी हम किस तरीके से बनाते हैं, मिल्क पाउडर जो हमारे घरों में आ जाता है, तो ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है, बार्ले का, वीट फ्लोर का एंड होल मिल्क।
तो इस चीज इन तीन चीज़ों के मिक्सचर से क्या बनता है, मिल्क पाउडर, और ये किसके ज़रिए पॉसिबल हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इसके अलावा जो डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में यह यूज़ होता है, बायोटेक्नोलॉजी का ये जो प्रोसेस है, डिफरेंट बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, बेकरी में डबल रोटियां बन रही होती हैं और डिफरेंट टाइप की, ये आगे हम जाकर फर्मेंटेशन की टाइप्स में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो है वो बेवरेज इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रहता है फॉर द मेकिंग ऑफ वाइन एंड बियर्स, ठीक है, फॉर द मेकिंग ऑफ वाइन एंड बियर्स। वाइन यानी कि शराब और इस तरह से दूसरे मशरूब अल्कोहलिक जो है ड्रिंक्स बनाने में बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। बियर्स जो है ये वर्ल्ड थर्ड ड्रिंक है, ठीक है, दुनिया में तीसरी इस्तेमाल की जाने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक है। इसके अलावा जो यहाँ तक जो अभी था, यानी कि फर्मेंटेड फूड बन रही थी, माल्टेड फूड बनी, और इसके अलावा बेवरेज इंडस्ट्री में इसका यूज़ हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ हुआ, तो ये इन फूड था। अब जो आगे हम रोल पढ़ेंगे वो इसका एग्रीकल्चर में होगा। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लेते हैं, ट्रांसजेनिक। अब ट्रांसजेनिक क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स, अगर किसी भी प्लांट के जेनेटिक मटेरियल यानी कि किसी भी प्लांट के डीएनए के अंदर कोई एडिशन की होगी, कोई रिमूवल की होगी, या उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया होगा, या उसकी मॉडिफिकेशन उसके अंदर की होंगी उसके उस प्लांट के डीएनए के अंदर, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर उसी अगर यहाँ एनिमल हो और ट्रांसजेनिक एनिमल हो, तो इसका मतलब है कि एनिमल के डीएनए के अंदर हमने कोई चेंजेस की हुई हैं, तो उस एनिमल को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल। प्लांट होगा तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे, और अगर एनिमल होगा तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट की हम क्या डेफिनेशन करेंगे, द प्लांट विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, ठीक है, प्लांट विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट की चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें मोर यील्ड चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा पैदावार चाहिए, जिस तरह से आजकल जो है हम ज़्यादा पैदावार के लिए प्लांट्स जो हैं प्लांट्स की उन वाले प्लांट्स को दे लेते हैं जो कि ज़्यादा यील्ड हमें दें, उनके अंदर हम ऐसी उनके डीएनए के अंदर चेंजिंग करते हैं, को ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेते हैं और उनसे मोर यील्ड लेते हैं। फिर हमें प्लांट चाहिए होते हैं जो मोर रेजिस्टेंस शो करते हों, मोर रेजिस्टेंस, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस शो करते हों, यानी कि वो इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी रह सकते हों। फॉर एग्जांपल एक पौधा है जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर रेजिस्टेंट है, उसको जो है इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, कम पानी हो तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो एक लिहाज से वो एक अच्छा पौधा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें उसका जीनोम पता है, हमें ये पता है कि इसकी ये वाली करेक्टर कौन सा वाला जीन कंट्रोल कर रहा है, तो वो वाला जीन हम लेकर सारे पौधों के अंदर वो वाला जीन डाल देंगे, तो वो पौधे क्या हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएंगे, और अब वो भी वही वाली करेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे जो कि एक मोर रेजिस्टेंट प्लांट शो कर रहा था, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा यील्ड चाहते हैं तो फिर हम उन पौधों के अंदर वो इंटरेस्ट वाला जीन डाल देंगे और वो हमें मोर यील्ड देंगे, और उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसके अलावा जो है वो हम ताकि ये रेजिस्टेंस शो करें, हम अगर फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हमारा जो मेन प्लांट होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल मेन प्लांट है, ठीक है, और इसके साथ कुछ जड़ी बूटियां हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम जो है करते हैं हर्बिसाइड्स हर्ब्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं, तो जो हमारा मेन प्लांट होता है इसकी सारी फूड जो है वो साथ वाले छोटे छोटी हर्ब्स जो होती हैं इसके साथ जो छोटा छोटा घास होता है वो इसकी मेन फूड ले जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं इस पर हर्बिसाइड्स वाला स्प्रे करते हैं। हर्बिसाइड क्या है, जो हर्ब्स को किल करता है, तो ये प्लांट भी तो इसके साथ है, लेकिन सिर्फ यही वाली हर्ब्स मरेंगी, ये वाला प्लांट नहीं मरेगा, क्योंकि इस प्लांट के अंदर हमने कौन सा वाला इसके डीएनए में चेंजेस की हुई हैं कि ये रेजिस्टेंस शो करता है इस हर्बिसाइड के अगेंस्ट, तो इस प्लांट को कुछ नहीं होता, जबकि ये वाली जो हर्ब्स हैं ये किल हो जाती हैं, तो हम इसके अंदर ये रेजिस्टेंस वाले जीन इंसर्ट किए हुए हैं और ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है अगेंस्ट
हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? जो हर्ब्स को किल करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो साइड्स का क्या मतलब है? अगेंस्ट, यानी कि किल करना। हर्बिसाइड हर्ब्स को किल करेगा, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करेगा, ये क्या है? स्प्रे होते हैं। अच्छा, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हो सकते हैं इसके साथ। ये तो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बताया ना, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बता सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम क्या करते हैं आजकल? चिकन, ठीक है, काउस में हो रहा है ये, माइस में हो रहा है, रैट्स में हो रहा है। अच्छा, ट्रांसजेनिक चिकन्स और काउस में अगर हमें चाहिए ज़्यादा मीट या ज़्यादा मिल्क चाहिए काउस में, तो हम वो वाला जीन डाल देते हैं जो कि ज़्यादा मिल्क देगा हमें, या वो वाला उसके डीएनए में ऐसी चेंजेस कर देंगे कि हमें ज़्यादा गोश्त चाहिए या ज़्यादा दूध चाहिए। और चिकन में भी बिल्कुल इसी तरह से है कि हमें ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है और ज़्यादा अंडों की ज़रूरत है। अच्छा, माइस और रैट जो है ना, माइस और रैट के अगर हमें कोई इस तरह की, इनसे तो इनके यूरिन से और इनके ब्लड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं उससे हम लोग क्या करते हैं मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनसे भी जो है मैनकाइंड को फ़ायदा हो सकता है। तो इनको भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो इनको भी मैनकाइंड की सर्विस में यूज़ किया जाता है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन एग्रीकल्चर एंड इन फूड। तो अब हम देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने में किस तरह से यूज़ होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कम कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है पोल्यूशन, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला है पोल्यूशन का। तो पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डिफरेंट बैक्टीरिया को यूज़ करके, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिफरेंट प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को जो है करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को डीकम्पोज कर रहे होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया और फंजाए जो हैं। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन काम कर रहे होते हैं। फिर कुछ जो है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको यूज़ करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो एक दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब एनवायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज हैं हमारे पास। एक है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं वो वाले रिसोर्सेज जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलर एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास टाइडल एनर्जी है, ठीक, बायोमास है, बायोमास जो के जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स से होता है। और इसके अलावा और कौन सी एनर्जी होती है? जियोथर्मल। ये सारी क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती हैं? जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन। उन वो रिसोर्सेज अगर एक दफ़ा यूज़ कर लिए जाएँ तो वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फोसल फ्यूल हैं, तो फिर ये जो है फोसल फ्यूल ये फिर सदियों के बाद बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि हमारे पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? इनकी डेवलपमेंट के लिए जो है एक रोल प्ले करती है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को किस तरह से इन्वायरमेंट में डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ डीग्रेडिंग लैंड, यानी कि अगर जो ज़मीन एक दफ़ा ख़राब हो गई है उसको जो है वो अगेन रीस्टोर कर लिया जाए। रीस्टोरेशन ऑफ
रिस्टोरेशन ऑफ डी ग्रेडेड लैंड। तो इसमें भी इसका एक अहम रोल है बायोटेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन में, के जो ज़मीन जो है वो फसल की काश्त के काबिल नहीं है उसको अगेन जो है वो इस काबिल बनाया जाए। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में भी, उसको कंजर्व करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। यानी कि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स को, पॉपुलेशंस को किस तरह से कंजर्व किया जाए, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अलावा जो इस तरह के माइक्रोब्स हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स क्या करते हैं हमारे पास, वो यूज़ होते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। अच्छा, एक तो हम जो है वो स्प्रे कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स का, तो वो पेस्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं। एक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, वो वाले केमिकल्स जिनको हम ज़मीन के अंदर डाल दें तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ज़मीन की जरहेज़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा फसल देती है, ठीक है। तो इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम बना सकते हैं जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज़म बना लें जो ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। और बायोपेस्टिसाइड का क्या मतलब है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोड़ दें, एक ऐसा ट्रांसजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लें जो कि पेस्ट को जो है वो क्या करे, खा जाए, हार्मफुल जो पेस्ट हैं जो कि नुकसानदेह हैं, ठीक है। और इसके अलावा बायोसेंसर क्या है कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो उसको क्या कर सके, सेंस कर सके। और इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे पास वाटर होता है जो कि प्योरीफाई नहीं होता, तो उसको भी प्योरीफाई करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये रिकवरी ऑफ मेटल्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। किस चीज़ में यूज़ होते हैं, रिकवरी ऑफ मेटल्स में, यानी कि अगर कोई मेटल गुम हो गई है तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसकी रिकवरी में हेल्प करते हैं, रिकवरी ऑफ मेटल्स। अच्छा, और इसके अलावा ये क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल में भी यूज़ होते हैं, स्पिल्ड ऑयल, क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल, ठीक है। और डिफरेंट अदर पर्पसेस के लिए भी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है।